हम बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनाएंगे। इसे आप अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। अभी मैंने बेस बनाने के लिए तैयारी की है। 2 पैकेट मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और इसको बॉयल होने रख दिया है। थोड़ा सा ही बॉयल हो, ज़्यादा बॉयल होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें डालने वाले हैं पाउडर। इसको चलाते हुए हम पकाएंगे, क्योंकि दूध में जो मलाई है वो हम इसी में डालते जाना है। साइड साइड से भी मलाई नहीं लगे, इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए, इसके लिए हमने थोड़ा सा दूध पहले ही निकाल लिया था और इसमें हमने 1/4 कप डाला है कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप ही डाला है मिल्क पाउडर। इससे दूध बहुत अच्छा गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इसमें डालेंगे हम GMS पाउडर 2 स्पून और 1 स्पून डालेंगे हम CMC पाउडर। ये दोनों पाउडर आइसक्रीम बनाने में, केक बनाने में काम आते हैं। इसको हम मिलाएंगे तो इससे हमारा जो में काफ़ी फ्लफी बनेगी और काफ़ी देर तक स्टेबल रहेगी। सबको हमने लेके दूध में डाल दिया है और दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो बस हमको गैस ऑफ कर देनी है, मलाई नहीं जमे। इस बात का ध्यान रखना है, मलाई हमें दूध में ही मिलाते हुए जाना है। साइड से भी मलाई आप मिलाते हुए जाएं। देखिए, दूध हमारा गाढ़ा हो चला है और हम गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि नीचे रखने के बाद भी ठंडा करने पर काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। देखिए, हमने पलटे पर थोड़ा सा हाथ लगा के देखा है तो आप देख रहे हैं उंगली अलग से दिख रही है और साइड से दूध दिख रहा है। दूध का गाढ़ापन आप देख ही रहे हैं, इसी तरह का गाढ़ापन रहना चाहिए। इसको हमने छान लिया है कि मलाई वगैरह इसमें नहीं मालूम पड़नी चाहिए कि मलाई है। अब इसको छानने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्सी में या तो पीस लेंगे या फिर एग बीटर से पीस लेंगे। सबसे पहले इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी हमारी डालना रह गया था, इसलिए हम अलग से डाल रहे हैं। एक एक पैकेट में 1 कप लग जाती है। हमने 2 पैकेट दूध लिया तो हमने 2 कप शुगर लिया। शुगर का ठंडापन में मिठास कम देती है, इसलिए इस तरीके से करना पड़ता है। अब हमने चीनी को पीस के दूध में मिला दिया और हमने इसको जमने रख दिया है। देखिए, जम के ये 7-8 घंटे में इस तरीके से रेडी हो गया। इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े भगोने में। और ये मेरे 2 डिब्बे बने थे तो दोनों डिब्बे मैंने निकाल के इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम एग बीटर, जो इलेक्ट्रिक वाला आता है, उससे बीट करेंगे तो ये बहुत ही फ्लफी बन जाएगा और इससे तिगुना साइज में हो जाएगा फूल फूल कर। मेरे पास एग बीटर नहीं है तो मैं इस तरीके के जो लस्सी बनाने की मशीन है उससे इसको बीट कर रही हूँ। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। आप केक में बनाने वाली क्रीम को भी डाल सकते हैं जो अमेरिकन आती है। इसमें मैंने आधे को इसमें डाल कर दूसरे भगोने में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम हमारे घर पर जो मलाई होती है वो भी, मैंने 3-4 दिन की मलाई थी जो फ्रीजर में जोड़ के रखी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। सबको एक साथ डालकर अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और अच्छा फ्लफी हो जाएगा। मलाई भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और पूरी आइसक्रीम्स भी मिक्स हो जाएंगे। अब हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। एक आम ले लिया है मैंने, छील कर काट कर मिक्सी में डाल लिया और इसमें उसी आइसक्रीम के वेस्ट से हम आइसक्रीम बना रहे हैं वो डाला है थोड़ा सा। तो अब देखिए क्या फ्लफी बन के ये पिस के आया है मिक्सी में। और ये ऊपर से हमने आम के पीसेस भी डाल दिए हैं। अब इसको पेपर से लगाकर ढकेंगे, बटर शीट लगाएं या स्टील का जो रोटी पराठे में लगाया जाता है वो लगा सकते हैं। ये मैं चॉकलेट की पहले क्रीम बना रही हूँ। मैंने कोको पाउडर लिया है, चीनी ली है और दूध लेंगे। मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं है, बस तीनों को मिलाकर अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लिया है। अच्छा बॉईल आने पर, थोड़ा गाढ़ा होने पर ही हम इसको उतार लेंगे और ठंडा करके हम जो बेस बनाया है उसकी भी हम एक आइसक्रीम बनाएंगे। देखिए ये भी अच्छे से बने जा रहा है और हमने आधा बेस उठा के रख लिया है, आधा ही इसमें यूज़ किया है। बेस बहुत सारा बन के तैयार होता है, उससे हम बहुत सारी आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने 2 तरह की आइसक्रीम बना के दिखाई है। ये देखिए, बेस को मैंने मिक्सी में डाल लिया था और चॉकलेट का जो सिरप बनाया था वो भी डाल दिया है। चॉकलेट आइसक्रीम भी मेरी बन के तैयार हो गई है। मैंने यही दोनों डिब्बे यूज़ किए थे और इनमें बना के रख लिया, बेस अलग डिब्बे में रख लिया है। देखिए महंगे आइसक्रीम कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है और चॉकलेट वाली तो बची ही नहीं रही। काट काट के सब बच्चे लोग खाए जा रहे हैं और चॉकलेट
सिरप उसके ऊपर बनाकर डाल दीजिए, या बाज़ार से रेडीमेड आता है वो भी डाल सकते हैं। उससे आइसक्रीम बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है।